फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे YouTube चैनल द क्रोशिया लवर पर। फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ये एक बच्चे के टॉप से है। ये देखिए, ये टॉप मैंने कितना अच्छा बनाया है। ये यहाँ का झालर बहुत सुंदर है और ये बॉर्डर भी हमने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। हमारा जो आज का वीडियो है इसे आप बिना स्किप करके देखिए, और इस वीडियो में सभी कुछ है और आप ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात कि ये इसका नाप किस तरह लेना है ये भी इस वीडियो में है। जिस किसी का भी आप अगर बना रहे हैं तो उसका पुराना टी शर्ट से आप नीचे की उसकी जो चौड़ाई है वो नापिए और फटाफट स्टार्ट कीजिए। ये सेम उसी तरह से बनता है जिस तरह से हम सिलाई से स्वेटर या जैकेट या स्वेटर हाफ बनाते हैं, सेम उसी तरह से है। तो चलिए अब मैं आपको ये बना करके दिखाती हूँ। आज मैं आपको एक टॉप बताना सिखाऊंगी। ये मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी, जिसके लिए मुझे सबसे पहले एक क्रोशिया लेना है। क्रोशिया हमारा 10 नंबर का है, देख सकते हैं ये 10 नंबर का क्रोशिया है। और ये व्हाइट कलर का कॉटन थ्रेड लूंगी और मैं आपको इसे बच्चे का टॉप बताऊंगी। इसके लिए मुझे 85 चेन लेना है। तो मैं चेन कैसे लेता है आपको पता है, और देखिए फिर से एक बार इस तरह से लेकर के मैं इसे 85 चेन लूंगी। मेरा एक चेन हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरे मैं 85 चेन ले लूंगी। ये देखिए, ये मैंने 85 चेन ले ली हूँ और एक्स्ट्रा 3 चेन और लेके मैं ऐसे डबल क्रोशिया, 2 चेन छोड़ के डबल क्रोशिया हर चेन में डाल के बना दूंगी। इस तरह से डबल क्रोशिया बन जाएंगे सारे चेन में। पूरे चेन में मैं डबल क्रोशिया बना दूंगी, लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ, इसे मैं टाइट हाथ से नहीं बनाऊंगी, हल्का, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज, बिल्कुल मीडियम टाइप में इसको बनाऊंगी। एक बैग में खींचना भी नहीं है, इस तरह में इस तरह से बनाऊंगी। फटाफट इसे आप पूरी लाइन बना लीजिए, सेम इसी तरीके से। देखिए फ्रेंड, ये मेरा फर्स्ट राउंड हो चुका। अब इसको टर्न करेंगे, टर्न करने के लिए 2 चेन दे देंगे। आप चाहे तो 3 चेन भी दे सकते हैं, उसके बाद में बैक करके यहाँ मेरा ये दूसरा राउंड में डिज़ाइन पड़ेगा। ये डिज़ाइन मैं पहले बता चुकी हूँ, गौर कीजिएगा आप लोग, ध्यान से हमारा वीडियो देखिए। इस तरह करके 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ये 2 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया के बाद मैं इसको पीछे से, ये देखिए फंदे को इस तरह करके और इसके पीछे से ऐसे निकाल दूंगी और इसको डबल क्रोशिया बना दूंगी। फिर से बगल वाले में मैं इसे डबल क्रोशिया 2 बार हर स्टिच पे। फिर मैं बिना चेन, इसमें चेन नहीं लेना है, डबल क्रोशिया में डिजाइन बनेगा, और इसको फिर से इसी तरह पीछे से ऐसे इसमें डाल के, देखिए ध्यान दीजिए बगल में यहाँ, और इसको इधर से ऐसे डबल क्रोशिया, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, और उसके बाद तीसरे बार में मैं इसमें ऐसे डाल के बना दूंगी ये डिजाइन। इस तरह करके हमारा ये राउंड भी पूरा इसी तरह से बनेगा। ये छोटे बच्चों का मैं टॉप बना रही हूँ। आप चाहे तो 5 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे, 9 साल तक के बच्चे इस टॉप को पहनेंगे, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मैं डिज़ाइन के साथ बता रही हूँ, आप ज़रूर कहिएगा कि ये डिज़ाइन कौन सा है, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो जो है, सबसे पहले वाला वीडियो जाके देखिए आप लोग YouTube पे, तो उसमें मैंने ऐसी बना रखा है, ये डिज़ाइन बताई हूँ, समझाई हूँ। ये देखिए सेम इसी तरीके से हमारा ये सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए अब लास्ट राउंड है, और ये इसको मैं इसमें लास्ट में डबल क्रोशिया जो बचा हुआ फंदा था उसमें डाल के और 2 चेन डाल के टर्न करके टर्न कर दूंगी। अब देखिए ये आप
फिर से ध्यान लगा के हमारा वीडियो को देखिए दोस्तों। ये देखिए, ये जो मेरा दो मैं ऐसे बनाई थी ना उठा के, सिंपल सा डबल क्रोशिया, ये देखिए अब इसके ऊपर एक बन जाएगा, ऊपर से फिर से एक, यस अभी ऐसे बन जाएंगे जैसे मैंने फर्स्ट वाले में बताई थी। अब जैसे ये दो है, दो को मैं सामने से लेकर के ऐसे डबल क्रोशिया इस तरह से, और जो ये जो मैंने सिंगल को उठा के बनाई थी, अब वो सिंपल से डबल क्रोशिया बन जाएंगे, तब ये डिजाइन हमारा खिल के आएगा। ये देखिए, ये जो दो को मैं सिंपल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाई थी उसको मैं सामने से लेकर के बनाऊंगी, और जो सिंगल बनाई थी ये देखिए वो अब हमारा सिंपल सा डबल क्रोशिया बन के तैयार होगा इस तरह। इस डिजाइन को बहुत ही ध्यान से देख करके बनाना होगा फ्रेंड। ये देखिए, सॉरी इसमें एक मैंने सिंपल बना दिया, इस तरह बनेंगे, इस तरह बनेंगे, और ये इस तरह बनेंगे। तो मैं ये पूरा लाइन बना करके आपको बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये राउंड भी हमारा पूरा हुआ। ये देखिए, दो चैन दे करके इसे मैं पलट दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से डिजाइन हमारा बनेगा, काफी खूबसूरत है डिजाइन फ्रेंड। देखिए, आप चाहे तो बच्चों का टी शर्ट लेकर के इसकी चौड़ाई ऐसे रख करके आप इसे नाप सकते हैं फ्रेंड। इसका एक यही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चे का टी शर्ट रखिए इस तरह से, और टी शर्ट को रखने के बाद ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई इसको यहाँ रखिए, और इसको ऐसे रख करके इसको पूरा नापिए, इस तरह से नाप लीजिए। देखिए ये हमारा पूरा बराबर बैठ रहा है, और इस तरह से आप बनाते जाइए, और नहीं तो आप फंदे लगा करके भी इसे बना सकते हैं। तो जैसे ये डिब्बी डिब्बी जैसे डिजाइन ये बन के तैयार हो गई हमारी, इसी तरह से ये डिजाइन पूरा हमारा जाएगा। मैं ये राउंड और मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये मैंने कैसे बनाया है। दो चेन देने के बाद मैं इसे बैक कर दिया, बैक करने के बाद सेम फिर उसी तरीके से ये बन जाएंगे। देखिए ये एक चेन को मैं ऐसे ही बना दूंगी इस तरह से डबल क्रोशिए में, और दूसरे को ये इस तरह से ले लूंगी। देखिए आप ऐसे सिंपल डबल क्रोशिया दो बना दूंगी, एक ये रहा दो बन गया, और उसके बाद जो तीसरा है, जो देखिए खुद ही पता चल जाता है कहाँ उठाना है कहाँ पीछे से लेना, इसको लेकर के यहाँ इस तरह से बना देंगे। ये देखिए फिर से दो, तो ये लाइन भी हमारा से इसी तरीके से बनते चला जाएगा। ये देखिए देखिए मैं बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैंने इतने बना लिए हैं, लेकिन मुझे अब बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे जितने बड़े ये हैं। ये देखिए कम से कम इतने बड़े तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन ये मेरा अभी छोटा ही है। ये देखिए अभी इतना है, अभी इतना और मुझे बनाना पड़ेगा इसको, तो मैं पूरा इतना तक बना के जब मैं यहाँ गले तक आऊँगी तब इसके मुड्ढे और गले दोनों घटाना है, मैं इसे आपको ज़रूर बताऊँगी। तो तब तक मुझे इतना तक बीन करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने पूरे बना लिए हैं, और सेम उसी तरह जिस तरह से मैं हाफ स्वेटर बनाती हूँ सिलाई से, उसी तरह मैं क्रोशे से भी बनाऊंगी। तो ये मैंने आधे करके और इसका आधा करना है, ये जो पूरे पल्ले का आधा करना है, सामने वाले या पीछे वाले सेम दोनों साइड से मैंने ओवल का डिज़ाइन दिया है गले का, तो बस दोनों साइड से सेम ही है, आप चाहे इधर से पहन लीजिए चाहे इधर से पहन लीजिए। और डिज़ाइन इतनी सुंदर, तो मैंने इसके क्या किया आधा कर लिया, आधा करके हम एक बना लिए हैं, और दूसरा मैं बता रही हूँ कि ये कैसे घटता है। ये देखिए, ये मैं पूरा ये लाइन यहाँ तक ले जाऊंगी, सेम उसी तरह से डिज़ाइन के जिस ऊपर डिज़ाइन ही बनेंगे। ये डिज़ाइन का नाम है ओवल डिज़ाइन, ओवल डिज़ाइन इसे कहते हैं,
काफ़ी खूबसूरत है। ये डिज़ाइन आप किसी भी डाल सकते हैं, स्वेटर, कार्डिगन, शॉल, कंबल, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो ये लाइन पूरा बनाने के बाद जब मैं उधर से इसी लाइन में मैं इसे कटिंग कर दूंगी, तो घटाते कैसे हैं ये आप अच्छी तरह से देखिए। सबका उसी तरीके से रहेगा जिस तरह से घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको घटाना और बढ़ाना बताई हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है, बरसते आप इसे बहुत ही गौर से देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। ये देखिए, ये जो हमारा लास्ट का दो बच गया है, ये देखिए लास्ट का दो फंदा बचा हुआ है, दो स्टिच। तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगी, ऐसे लेकर के इसको मैं घटा रही हूँ। अभी ये दो बन गए, फिर से उसको पुराने घटा कर बगल में फिर से ये तीन बचा, तीन का एक कर दूंगी, फिर दो चैन दे के इसको पलट दूंगी। पलटने के बाद इसे भी सेम उसी तरीके से घटाना है, ऐसे ये तीन बचा, तीन का दो सेम दूसरे वाले में। तो ये हमारा दो फंदा घट जाएगा इस तरह से, तो इधर का हमारा घट गया। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ तक आ करके आपको फिर गला दिखाती हूँ किस तरह घटता है। ये देखिए, ये मैं सेंटर में आई हूँ, ये हमारा सेंटर है जिसका एक तो मैंने बना लिया गला और दूसरा गला के पास मैं आ गई हूँ। ये देखिए सेम उसी तरह से घटाना है। ये देखिए यहाँ पे डाल के डबल क्रोशिया, पूरा नहीं घटाना है, दो ही रखना है। फिर से यहाँ पर ऐसे बनाना है और अब ये हमारे कुल तीन फंदे हो जाएंगे, तीन का एक कर दूंगी और इसको फिर से दो चैन लेके पलट दूंगी। सेम उसी तरीके से जिस तरह से मैंने बाजू घटाए, फिर सेम उसी तरीके से ये देखिए हमारा दो घट गया, ये दो फंदा आपको बिल्कुल नजर आ रहा है। और इसको अगेन फिर इस तरह ये दो, और सेम दूसरे वाले में भी इसी तरह से ऐसे करके एक बन जाएगा। और सेम उस तरह डिज़ाइन, जैसे डिज़ाइन है डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बनते चला जाएगा। फिर हम कांखी के पास आ जाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में मुझे केवल दो फंदे छोड़ने होंगे। ये देखिए, ये भी बना लेना है क्योंकि ये मुड्ढे की घटाई हो रही है। ये देखिए, ये मैं एक फंदा ये और एक दो फंदे छोड़ के बाकी सारे बिन ले रही हूँ। ये मैंने बिन लिए। अब ये देखिए, ये दो फंदे पर ही हमारी घटाई होगी। जैसे मैं एक बार ये बनाऊंगी, एक बार ये बना करके पूरा नहीं घटाऊंगी, नेक्स्ट दूसरा भी मैं सेम ऐसे ही बना करके और इस तरह से, और इसको मैं ऐसे ले लूँगी, फिर लास्ट में ये सब फंदे घटा दूँ, फिर दो चैन लेकर के सेम उसी तरीके से, सॉरी यहाँ मैंने दो ही रखने थे, ये दो फंदे हैं इसमें दूसरे वाले में, फिर ये इधर भी घटेगा। ये देखिए तीन का एक, तो ये मैं पूरा यहाँ तक बना करके आपको दिखाऊंगी, पूरे ये फंदे बन जाएंगे तो मैं यहाँ तक बना कर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, ये मेरा पूरा हो गया और बिल्कुल नाप नाप करके ही करना है इसको। जिस तरह हम स्वेटर में बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसका तीरा भी बनाएंगे। तो स्वेटर का सिलाई से बनता है और इसका मैं क्रोशिए से ही बनाऊंगी और इसको सिलाई मैं क्रोशिए से ही करूंगी। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हमारा ये पल्ला भी बन के रेडी हो गया सेम स्वेटर के जैसे। अब इस दोनों मुट्ठे को मैं मिला दूंगी और अच्छी तरह से सिलाई कर दूंगी। आप चाहे तो सुई से कर सकते हैं। फंदे भी उतने ही रखना है जितना मैं पीछे वाले पल्ले में रखा था। सेम उसी तरीके से जिस तरह से मैं हाफ स्वेटर या फुल स्वेटर बनाती हूँ सेम। उसके बाद ये दोनों को सिलाई करने के बाद मैं आगे दिखाती हूँ कि मुझे अब करना क्या है। देखिए, ये मैंने ये इसके तीरा भी सिल दिए। अब मैं इसका ये साइड वाला सिलना बताऊंगी, क्रोशिए से बताऊंगी। आप चाहें तो इसे सुई से भी बना सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। सिलाई होना चाहिए और बढ़िया से पकड़ के सिलना है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो फल डिज़ाइन है वो भी मुझे अच्छी तरह से पता चले सिलने के बाद। तो मैं इसे सिल के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, जो भी आपका इधर उधर ऊन है उसको भी साथ में लेते हुए इसको सिलते जाइए इस तरह से।
अगर ऐसे तो ये छोटा होगा नहीं, अगर बाय द वे आपको इसको बड़ा बनाना है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकती हैं बनाना। अगर इसके आपको जैसे जैसे, वैसे तो ये 4 साल से लेकर के 6 साल 7 साल तक के बच्चे आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि ये टॉप है तो आगे भी इसे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी बना सकते हैं, ये तीरा खोल करके और आराम से बना सकते हैं। तो ये पूरा सिल के बिल्कुल बराबर से सिल कर मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल ध्यान लगाकर हमारा ये वीडियो देखिए आप लोग, और स्किप कीजिएगा तो आप बिल्कुल नहीं कुछ नहीं सीख पाइएगा। ये बहुत ही सुंदर टॉप है। आपको ये हमारा वीडियो आज का कैसा लग रहा है ये ज़रूर आप हमें बताएंगे, हमें खुशी होगी। आपको आगे और इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बताने में। देखिए फ्रेंड, मैं इसे जोड़ दी हूँ। जोड़ने के बाद अब इसका जो ये इस तरह घुंघरू के जैसा लग रहा है ये झालर, अब ये झालर मैं आपको बताऊंगी कि ये झालर बनता कैसे है। सबसे पहले तो आप ये सभी में सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, जितने भी हैं ये हमारे सब में, मुझे हर फंदे में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाना होगा। तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, इस पल्ले को सीधा कर लीजिए। मैंने ये सीधा कर लिया है तो ये डिज़ाइन मुझे साफ साफ दिख रहा है। और इस तरह से सिंगल क्रोशिया हर फंदे में डाल लीजिए, इस तरह से हर फंदे में डालकर सीधा सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, ताकि इसका लुक देखने में और भी खूबसूरत लग जाएगा। ये देखिए, हर फंदे में डालिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। उसके बाद वो मैं साइड का बॉर्डर बताऊंगी या झालर बताऊंगी, उसे झालर कहिए तो अच्छा लगेगा, बॉर्डर बोलिए तो भी अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत और बनाने में काफ़ी आसान, इसे आप और हम सभी आसानी से बना सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। इसी तरह से मैं पूरा ये बना करके आपको बता रही हूँ। इसके बनने के बाद ही वो डिज़ाइन बनेंगे। ये देखिए, ये पूरा लाइन मेरा सिंगल क्रोशिया चला गया। अब मैं इसको इस तरह का बॉर्डर बनाऊंगी, झालर बनाऊंगी। इस डिज़ाइन पर आप गौर कीजिएगा, ये डिज़ाइन आप पेटीकोट में नीचे भी डाल सकते हैं और इसके बाजू में भी डाल सकते हैं, ब्लाउज में, सूट में, किसी में भी बाजू में भी डाल सकते हैं, इसे फ्रॉक में भी डाल सकते हैं। पहले की माताएँ जो थी वो पेटीकोट में डलवाती थी ये, और साड़ी के जो साइड में आता था, एक कलर की साड़ियाँ ले लेती थी और उनके साइड में इस तरह की बॉर्डर डलवाती थी। देखिए काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है ये, देखिए। तो मैं ये आपको बता रही हूँ, आप हमारा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। ये देखिए, मैं 4 चैन ले लूँगी, 2, 3 और ये 4। 4 चैन लेने के बाद मैं इसमें अटैच कर दूँगी पहले वाले चैन में, और हाफ सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में इसको इस तरह से सेम उसी तरीके से इस तरह से स्लिप नट दे दूंगी। फिर से आप ध्यान लगा करके देखिए, मैं एक बार और बता रही हूँ आपको नज़दीक से। ये देखिए, 4 चैन, 1, 2, 3, 4। 4 चैन में फर्स्ट वाले चैन में मैं इस तरह करके, इस तरह, फिर एक फंदे छोड़ के नेक्स्ट दूसरे फंदे में लेकर के इसको स्लिप नट दे दूंगी इस तरह। तो कुछ इस तरह से आएगा, देखिए काफी खूबसूरत लगता है ये डिजाइन। 1, 2, 3, 4 फर्स्ट वाले में, और ये बनता भी बहुत जल्दी है। शौक से बनाइए इसे आप, एक छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह। तो इस तरह आप बनाते जाइए, 1, 2, 3, 4 पूरे इसी तरह से बन जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। ये झालर कैसे बनता है ये भी थोड़ा सा देख लीजिए आप, और आप भी अपने बच्चों के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए जरूर ये बनाइए, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, इसको बनाने के लिए ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी डिब्बिया जैसी बनी हुई, कितनी प्यारा लग रहा है ये। देखिए
तो इसको बनाने के लिए मैं 7 चैन दे दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 चैन देके तीसरे चैन में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ध्यान लगा करके देखिए, ये 2 बच गए, फिर से फंदे लेके उसी में, अब ये 3 का 1, फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन, फिर तीसरे चैन में, ये तीसरे वाले चैन में मैं फिर से ये सेम इसी तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए 1, अगेन इसमें 3 हो गया, अब जो 3 बचे हैं 3 का 1 कर दूंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा, और फिर से मैं बिना फंदे लिए हुए इसमें डाल करके ये स्लिप नट डाल दूंगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद फिर 4 चैन, 1 2 3 4, 4 चैन देके फिर ये 3 स्किप करेंगे, 1 2 और ये रहा 3, तीसरे वाले में हम इसको अच्छी तरह से सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। तो मैंने इतने सारे बनाए हैं सेम इसी पैटर्न से, इसी हिसाब से, तो फिर से आपको दिखा देती हूँ किस तरह बनेगा ये। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैन देके ऊपर से तीसरे चैन में डबल क्रोशिया बना लूंगी ऐसे। ये देखिए जब हमारा फंदा रह जाएगा क्रोशिए में 2, फिर से एक बार उसी में डालूंगी, और फिर से हमारा फंदा 3 रहेगा, 3 का 1 कर दूंगी, और फिर 3 चैन दे दूंगी, 1 2 3, 3 चैन देके तीसरे चैन में डबल क्रोशिया सेम इसी तरीके से ऐसे बनाऊंगी, और ये हमारा फंदा रहेगा 2, फिर से फंदा लेकर के अगेन उसी में डाल के फिर से फंदा रहेगा 3, और 3 का 1 करके, और फर्स्ट वाले सबसे जहाँ से स्टार्ट किया था डिजाइन वहाँ डाल के स्लिप नट डाल दूंगी, और 4 चैन दे दूंगी, 2 3 4, ये पूरा 4 चैन हो गया। 4 चैन देने के बाद अब यहाँ देखेंगे ये 3 स्किप करना है, 1 2 3, 3 वाले में थर्ड में मैं अब अगेन फिर से बना लूँगी इस तरह से सिंगल क्रोशिया, तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड आप भी इसे फटाफट बनाइए, और कमेंट करना ना भूलिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो हमारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वे हमारे वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, फॉलो करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो में।